Hello, my dear students. Today I am going to start a new topic of Power System 1, and the topic is Constant of a Transmission Line. The second unit of Power System 1, according to IKGPTU Kapurthala, is started now, and this is the first lecture of Module 2, and the topic is constant of a transmission line means the main heading is overhead transmission line and cable so before going to start a overhead transmission line we know about the constants of a transmission line in overhead system the main main topics are in module 2 is first is Electrical component and then is mechanical component and then the relation between electrical and mechanical components of a transmission line. So, guys, when we are going to start a particular topic, I already suggested you if you are the student and faculty of electrical engineering, a student across the country in any university, kindly subscribe my channel because I am going to start a different, different sections of other universities also in future. so it's too beneficial for you when my channel going in the month of January or February you get the various informations regarding electrical engineering branch as well as the equipment section of electrical engineering also. So guys I already suggest you if you are the a student of electrical engineering kindly, सबसे पहली बात है कि हमें पता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं एक एक्सपेक्टेशन करूं एक मन में एक डिजाइन की बात सोचू तो जनरली वी है टू टावर्स एंड ए केबल बिटवीन टू टावर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर so main is the three components in a transmission line first one is resistance second one is inductance and third one is capacitance so in a transmission line resistance inductance and capacitance are uniformly distributed along the whole length of the line it means it's not a particular it's not available in a particular points or anywhere it's uniformly distributed across the line जब हम बात करेंगे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की तो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ एसी बिकॉज उसका जो कैलकुलेशन होगा और बाकी चीजें होगा बेसिकली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग जो आपका <coughs> जो आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है अगर मैं वो फाइंड आउट करूं तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ता है बिकॉज वी नो दैट

ये अभी एट प्रेजेंट वर्किंग में है क्योंकि हमारे मोस्टली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एसी सिस्टम पे अभी वर्क कर रहे है। the, हमें ये सारी चीजें जो है वो समझना होगा कि ये कैसे काम कर रहा है प्रॉपरली इन सब चीजों की स्टडी करनी बहुत जरूरी है टू फाइंड आउट ओवरऑल ट्रांसमिशन सिस्टम तो ट्रांसमिशन सिस्टम्स के अंदर ये सारी चीजें कैसे करती है एक एक करके हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डेवलप होता है और उसके क्या क्या रीजन है और उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है इट इज लाइन कंडक्टर्स टू करेंट फ्लो हमें पता है रेजिस्टेंस को हम लोग वैसे ही कहते हैं टू द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस क्लियर बात है उसके बाद इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द होल लेंथ ऑफ द लाइन एंड इट इज कंसिडर्ड लम्ब्ड फॉर एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इसको हम लोग आप ये डायग्राम देखिए मैं इसीलिए डायग्राम डायग्राम दिखा रहा हूं आपको ये जो है आपका आप देख क्या रहे हैं इसमें जो आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है ये यूनिफॉर्मली है और इसको हम लोग एक लम्ब्ड सर्किट की तरह लेते हैं जैसे इस तरह से हम लोग एक जगह पे ले लिया समेशन ऑफ आर क्योंकि हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन जो सीधी वायर गई है बिल्कुल सीरीज में है वो तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज में पता होना चाहिए हमें कि तो इस तरह से हम लोग की तरह ले लेते हैं एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं और ये यूनिफॉर्मली ये ट्रांसमिशन लाइन है आपका ये वोल्टेज है एंड दिस इज द रिसीविंग इन वोल्टेज और इसके बीच में ही ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें मैंने कंसिडर किया हुआ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्लियर है तो आपको रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है इसका डेफिनेशन जो है हम लोग ट्वेल्थ क्लास ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं वे रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम लोग जो बंडल्ड कंडक्टर और बाकी चीजों में पढ़ रहे थे हमें पता है कि अगर हम केबल यूज कर रहे हैं या कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा लेंथ तो होगा ही क्योंकि हम लोग 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर की लाइन बनाते हैं और रो इज द कांस्टेंट ये एक प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल की ये हर एक मटेरियल की होती है कंडक्टिंग मटेरियल की कि उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है अब रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है कॉपर उससे थोड़ा नीचे है उसके अलावा एल्यूमिनियम और आयरन जो है उसी तरह से जितना जितना आप लोग आयरन की रजिस्टिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम की उससे कम होती है कॉपर की उससे भी कम होती है सिल्वर की सबसे कम तो सिल्वर का हम लोग ट्रांसमिशन लाइन तो नहीं बना सकते बट हाँ मोस्टली कॉपर पहले यूज होता था बट कॉपर की जगह पे आजकल एल्यूमिनियम होता है और कुछ पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए ए सी एस आर कंडक्टर यूज होता है एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स्ड जो आपका कंडक्टर uh, है वो हम लोग यूज करते हैं ताकि जो हमारा है टेंशन है वो भी मेंटेन रहे उसके बाद सेकेंड आपका इंडक्टेंस इंडक्टेंस के लिए देखिए फर्स्ट पैरामीटर ही मैंने जो आपको कहा वही चीज लिखा हुआ है व्हेन ए एसी फ्लोस थ्रू कंडक्टर ए चेंजिंग फ्लक्स इज सेट अप व्हिच लिंक्स द कंडक्टर वो कंडक्टर के बीच ड्यू टू दीज लिंक इंडक्टेंस जो उसके बीच में फ्लक्स लिंकेजेस होता है नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा है वो तो पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपका वो फ्लक्स लिंकेजेस पे ही है तो डिटेल में हम लोग उस लेक्चर में देखेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाद जाऊंगा वो ऑलरेडी तैयार है

इंडक्टेंस की भी वैल्यू जो होती है है वो बिल्कुल ऑफ एल के ही होगा क्लियर तो जनरली हम लोग आप सोचिए सी नेटवर्क शॉर्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन जो है जनरली हम ट्रांसमिशन लाइन को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन तो ये जो नेटवर्क आप देख रहे हो ये शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस <coughs> की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस में देखिए साफ लिखा हुआ है इफ एनी टू कंडक्टर्स ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आर सेपरेटेड बाय एयर विच एक्ट एज एन इंसुलेटर देयरफॉर कैपेसिटेंस एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ओवरहेड लाइन कंडक्टर अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि कभी आपने कैपेसिटर का देखा है कैसे कंस्ट्रक्शन होता है आप जाइएगा किसी कैपेसिटर को ओपन करिएगा तो कैपेसिटर में जनरली वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स और उसके बीच में हम लोग डायलैक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं तो एक बार आंख बंद करके आप लोग एज्यूम करिए जो आपका ट्रांसमिशन लाइन के दो फेज गए हुए हैं दोनों तरफ से दो वायर जो गई हुई है या थ्री फेज में थ्री वायर जो जाती है उसमें अगर मैं दो कंडक्टर को ले लू तो टू कंडक्टर्स वर्क एज एन इलेक्ट्रोड वो दोनों कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे और इलेक्ट्रोड की तरह काम करने के बाद जो आपका बीच में जो आप देख रहे हो एयर इज ऑल्सो ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम अकॉर्डिंग टू आई के जी पीटी सिलेबस में थर्ड यूनिट में दिया गया डायलेक्ट्रिक मटेरियल बट एवरीवेयर इंटायर द कंट्री जितने भी स्टेट के हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसमें फर्स्ट जो चैप्टर दिया हुआ है वो डायलैक्ट्रिक मटेरियल ही दिया हुआ है जहां पे हम लोग तीनों डायलैक्ट्रिक मटेरियल जो है लिक्विड सॉलिड और गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो गैसेस की जब हम बात करते हैं तो गैसेस जनरली तीन या चार टाइप की होती है डायलेक्ट्रिक गैसेस जिसको हम लोग यूज करते हैं एंड फर्स्ट वन इज द आपका जो एयर है वही तो एयर का कंटेंट क्या है हमें पता है कि एट्टी परसेंट के आसपास इसमें लगभग नाइट्रोजन है एंड ट्वेंटी परसेंट के आसपास जो हमारा ट्वेंटी वन परसेंट के आसपास जो हमारा ऑक्सीजन है सेवेंटी एट परसेंट के आसपास नाइट्रोजन है तो एक मिक्सचर है अलग अलग गैसेज का एयर एंड एयर इज ए डायलेक्ट्रिक मेटीरियल हम इलेक्ट्रिक एयर का डायलेक्ट्रिक स्टेंट देखते हैं इन दी नॉर्मल कंडीशन मोस्ट कंडीशन अलग अलग केस में अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू वेदर वो डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसकी वैली करती है तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि आप एक ज्यूम करिए कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड है बीच में एयर एज ए डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो ऑबियस सी बात है कि आपका जो है वो कैपेसिटेंस जनरेट होगा ही अब आप खुद देख लीजिए ये एक कंडक्टर है ये एक लाइन कंडक्टर है दोनों हमारे पास दोनों टावर के बीच में और ये जो बीच में आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस जनरेट होना ये ड्यू टू एयर है एयर में जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल है एयर जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल है उसके कारण हो गया आप ये देखिए इस तरह से आईसी है बीच में हमारा सी डेवलप हो गया दैट विल बी द सेंडिंग इन वोल्टेज और ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर है इसके बीच में कैपेसिटेंस जनरेट हो गया द कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर इज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अब देख लीजिए चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस ये क्योंकि हमारा जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी सी एंड सी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूफ्ट तो आप देख रहे हो क्लियरली आपको यहाँ पे ये यह चीजें है वेयर क्यू क्या है क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन लाइन इन कुलम वी इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द कंडक्टर इन वोल्ट एंड द चार्जिंग करेंट फ्लोज इन द इवन दैन इट इज ओपन सर्किटेड अब क्या होता है आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने ट्रांसमिशन के रिसीविंग एंड पे अगर आपने लोड ओपन भी कर दिया उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ चार्जिंग करेंट फ्लोज होते रहेंगे

तो हमें जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिलेगा रिसीविंग पे एज टू सेंडिंग तो ये सारा जो कैलकुलेशन है जब हम लोग डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे आज पर आज दी सिलेबस पे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको जो पैरामीटर्स है या कॉन्स्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन तो उसमें आप यही समझ लीजिए कि कैपेसिटेंस के कारण ही आपका पावर फैक्टर जो है ट्रांसमिशन लाइन का वो अफेक्ट होता है और इसी के कारण एफिशिएंसी जो है सिस्टम की वो अफेक्ट होती है क्लियर है नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है वो है कि अब हम लोग डिटेल में देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन तो रेजिस्टेंस क्या है ट्रांसमिशन लाइन का ये हम लोग देखिए स्टूडेंट्स मैंने जो अभी है ये तीन पैरामीटर्स जो है अपने पास इसके बारे में स्टडी किया रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो हमारे पास इंडक्टेंस है उसका एक सेपरेट लेक्चर बनेगा और कैपेसिटेंस का एक सेपरेट लेक्चर बनेगा उससे पहले हम बीच में दो और लेक्चर लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक लेक्चर होगा फ्लक्स लिंकेजेस पे पूरा और दूसरा होगा आपका जीएमडी पे ठीक है तो इस तरह से हम लोग जाएंगे क्योंकि हमें एक किसी भी पर्टिकुलर वीडियो में 20 मिनट या 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है ताकि आप उसको देख के बोर ना हो जाओ कम से कम मतलब 15 मिनट और मैक्सिमम 25 मिनट यही मेरे वीडियो का लेंथ मुझे रखना है तो गाइज

तो करंट ज्यादा है तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा तभी पावर लॉस कम होगा लेकिन रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो बनेगा ही होगी ही लेंथ तो हमें रखना ही रखना है उसके बाद जो आपका है क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ही होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया को भी हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं कम करने के लिए क्योंकि वो फिर साइज जो है वो बल्कि हो जाएगा और हमें ट्रांसमिशन लाइन में टावर की जो डिस्टेंस है आपस में वो कम करनी पड़ेगी उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी टू द कंडक्टर तो सेकेंड क्या कहता है देखिए द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक विद टेम्परेचर ओवर द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑपरेशन इफ आर वन एंड आर टू आर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट एटी वन सेल्सियस इफ इफ अल्फा इज द टेम्परेचर एटी वन डिग्री सेल्सियस देर टू क्या है और आर वन क्या है देखिए

अल्फा नोट क्या है है एट जीरो करता है कितना वैरी करता है किन चीजों में वैरी करता है ये हम लोग जब स्किन इफेक्ट पढ़ेंगे वहां पे एक न्यूमेरिकल भी मैंने एग्जाम्पल में लिया है उसमें आपको मैं बताऊंगा अब कैसा ए सिंगल फेज और टू वायर डीसी लाइन अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं रेजिस्टेंस का ट्रांसमिशन लाइन में वो आप देखिए कैलकुलेशन करेंगे इन ए सिंगल फेज और टू वायर डीसी लाइन the resistance is equal to double the resistance of either conductor means agar 2 by dc system hai to humne ek wire ka jo calculate kiya hua resistance usi ko hum double kar denge to hame resistance mil jayega but in the case of three phase transmission line resistance per phase is the resistance of one conductor clear hai उसमें हमें रेजिस्टेंस पर फेज अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों phase में जो voltage होता है अगर मेरा unbalanced condition है तो जरूरी नहीं है कि तीनों phase में जो voltage है

ये आप देखेंगे तो कंडक्शन के कट सेक्शन का एक साइड व्यू है और ये दोनों हमने इस तरह से लिया है कि ये जो है ये दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि जब मैं कंडक्टर को लेता हूं तो कंडक्टर में आपने एक चीज देखा होगा कि कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है देखो हर जगह पे अलग अलग बनेगा ऑब्वियस सी बात है और हमने क्या देखा है क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पे

तो करंट का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे दैट विल द करेंट ऑलवेज फ्लो इन लो पाथ आप ऐसा करिए कि आप दो रजिस्टिव पाथ बनाइए एक रजिस्टर एक में जो आप जो देखते हैं कई कई जगह पे जो आप देख रहे हो आप देखेंगे कि जो फॉरेन है बड़े बड़े कंट्रीज है वहां पे जो ट्रांसमिशन अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है वहां पे जो मेंटेनेंस होती है ना आप सरप्राइज हो जाएंगे कि पावर को डिस्कनेक्ट किए बिना ही मेंटेनेंस कैसे होती, होती है वो वो लोग एक अलग से स्टिक अपने पास रखते हैं लो रेजिस्टिव का उसके थ्रू करंट को वहां से पास कर देते हैं आप जो देखते हो कभी कभी जो मैंने आपको बंडल्ड कंडक्टर के अक्रॉस बताया था कि बीच में हम लोग स्पेसर लगाते हैं जो दोनों लाइन के, दो के बीच में दो कंडक्टर के बीच में स्पेसर होता है ट्रंगल के शेप में या स्क्वायर के शेप में उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस से ज्यादा रखते हैं हम लोग ताकि उसमें करंट फ्लो ना क्लियर है ये चीज तो जितना क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना इसका रेजिस्टेंस लो होगा और हमारा जो है वो इस तरह से करंट उसी के क्रॉस फ्लो होगा इसके क्या क्या फायदे नुकसान आप देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है उसी तरह से नेक्स्ट में आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं जाऊंगा तो ये जो है दो तरह की होती है दोनों के केस में

अब आप खुद देखिए कि जो हमने अगर मैंने आर डी सी केस में ट्वेंटी हुआ है तो हमारा आर है? है समझ सी कितना आप इस चीज को जो हमारा डीसी के के केस में पच्चीस ओम है वो यहाँ पे बढ़ गया कितना टू पॉइंट वन एट टू किलो ओम हो गया अब अगर अभी पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि जब हम रजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा दिस इज द मेन कॉज ऑफ पावर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो ज्यादा हो जाएगा और ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशियंसी है वो कम हो जाएगी ड्यू टू स्किन इफेक्ट द स्किन इफेक्ट इन एन ए सी सिस्टम डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स लाइक शेप ऑफ कंडक्टर टाइप ऑफ मेटेरियल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर एंड ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट भी ज्यादा होगी डायमीटर ऑफ़ ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा टाइप ऑफ मटेरियल लिया ड्यूरिंग दिस स्लाइड कि स्किन इफेक्ट जो है वो ए के, के केस में ज्यादा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसी और उसका रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में आ रहा है अब स्किन अफेक्ट में देखिए एक और टर्म्स होता है निकालने के लिए कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेल्टा डेल्टा क्या है तो डेल्टा क्या होता है इन के में देखोगे तो अब ये देखिए ये कंडक्टर का डिजाइन है अब कंडक्टर के डिजाइन में जहां पे करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है जितने एरिया में आउटर सरफेस पे उस पर्टिकुलर इतने से डिस्टेंस और रिंग जिसको हम लोग कहते हैं रिंग के जो इसकी साइज होगी विद्थ होगी दैट विल बी नोन एज एन डेल्टा

जनरेटेड तो हमें उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो हमें जनरेट करना पड़ता है जो हमें ये डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं वो इस तरह से हम लोग निकालें तो आप देख रहे हैं करेंट इन फोर्स टू एज इस तरह से ये स्किन इफेक्ट आउटर सरफेस पे मूव कर रहा है तो गाइज मैंने आपको बताया कि आप जो है वो स्किन इफेक्ट को मैंने इसीलिए रेजिस्टेंस के केस में लिया क्योंकि जो फॉर्मूला आपने देखा था स्किन इफेक्ट का वो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो रेजिस्टेंस के तो क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमारे आउटर सर्फेस पे फ्लो हो रहा है और इस आउटर सर्फेस के कारण जो एक रिंग बन रहा है जहां पे करंट फ्लो हो रहा है उस रिंग के डिश जो साइज है उसको मेजर करने के लिए हमने डेल लिया हुआ डेल क्या है ये ये पूरी की पूरी एक इसकी साइज है जितने में ये करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे निकालते तो एक बेसिक पर्टिकुलर था ये, आप ने देखा कि किस तरह से तीन पैरामीटर्स रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस अफेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिफोर दैट आई ऑलरेडी रिक्वेस्ट यू गाइज इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट Or any faculty member, faculty member in any university across the country, kindly subscribe my channel, share with your students and colleagues, and make some likes. Also give some feedbacks. And for the detailed knowledge, I already suggest you will refer these books written by great scholars and professor to enhance your technical skills. So guys, wish you all the best. Thank you.